मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने आलू उबाले हैं। तो रोज रोज खाने में क्या बनाऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ नवरात्रे में कि खाना क्या बनेगा। तो आज मैं आलू उबाले हैं और आलू के पराठे बनाऊंगी, साथ में चटनी एंड अचार तो खा नहीं सकते, चाय के साथ खाएंगे। तो फिर जो शाम के बर्तन बचे थे चाय नाश्ते के, उनको मैं फटाफट वॉश करूंगी। और उसके बाद जो है मैं थोड़े से अपने ज्वेलरी वगैरह को सेट करूंगी। तो उसमें कुछ मेरे पुराने जो है नोज रिंग मुझे मिल जाते हैं, तो उनको भी मैं सेट करके रख दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि एक नोज रिंग कलेक्शन के आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर किया जाए। तो आई होप सो कि यू लाइक दिस मिनी ब्लॉग। तो आज मैं कोई फुल वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, तो आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा मिनी ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आटा लगा दिया था, बिल्कुल जो पूड़ी वाली आटा होते हैं ना, वो मैंने गूंथ के रख दिया था साइड में, ताकि बस मुझे डिनर में बस पराठे बनाने हो। यहाँ पे मैं सब मिक्सर वगैरह सब रेडी करके फिर घर के बाकी काम करूंगी। तो आज मैंने अपने हेड वॉश भी किए थे बहुत दिनों के बाद नहीं, तीन दिन पहले मैंने वॉश किए थे आई थिंक, कब किए थे मेरे को ध्यान भी नहीं है। तो फिर फटाफट मैं आलू यहाँ पे मैश करके रख दूंगी, सारी तैयारी कर लूंगी, उसके बाद मैं जो है अपने घर के बाकी काम करूंगी। और शाम को भोग वगैरह भी बनाना है। तो अभी शाम के आई थिंक 5 या 6 बज रहे थे, तो मैंने डिनर की तैयारी कर ली, उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी सेट की, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी पुरानी ज्वेलरी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना कल की वीडियो कुछ अच्छे से शेयर करूंगी मैं। तो आई होप सो कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। राधे राधे, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।